हेलो एवरीवन, पूनम्स मिनी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ पूनम। आज की मेरी रेसिपी मखाना रायता की है। मखाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन दही के साथ में खाया जाए तो इनके फ़ायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए रायता की रेसिपी हम देख लेते हैं। तो मैंने ये एक कटोरी मखाने लिए हैं, लो फ्लेम पर इन्हें भून लेते हैं अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इनको भूनने में। तो गैस की फ्लेम को लो किया है और इन्हें भून लेते हैं। ये भून चुके हैं अब, तो हम इनको उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो ये मैंने दही ली है, 200 ग्राम के आसपास ये दही है। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। मखाना ऐड कर देंगे दही के साथ में। तोड़ के भी डाल सकते हैं हम, क्रश करके भी डाल सकते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा, जल्दी भीग जाएंगे। लेकिन मैंने ये पूरे ही डाले हैं, मखाने को तोड़ा नहीं है। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से दही के साथ में। तो मिक्स हो गए हैं, अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। 3 से 4 डाले हैं मैंने पुदीने के पत्ते। मेरा पुदीने का प्लांट बहुत छोटा है तो कम ही लिए हैं। पुदीने के पत्ते ज़्यादा डाले जाएं तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है रायते में। 1 हरी मिर्च डाल देंगे काट के बारीक बारीक, तो ज़्यादा नहीं डाला है, हरी मिर्च भी कम ही डाली है। 1/2 चम्मच डाल दिया है काला नमक और बाकी हम डालेंगे सफ़ेद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 चम्मच डाल देते हैं चाट मसाला और 1 चम्मच डाल देंगे जीरे का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, और थोड़ी सी हींग भी पीस ली थी साथ में। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस समय ये परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, लेकिन हमें इसे आधा घंटा के लिए छोड़ना है तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो 1/2 गिलास पानी डाल दिया है मैंने इसमें, तो 1/2 घंटा के लिए छोड़ देंगे, मखाने भीग जाएंगे अच्छी तरह से और ये ठीक भी हो जाएगा। 1/2 घंटे के बाद चेक किया है तो ये हो गए हैं, मखाने भीग चुके हैं, खाने के लिए अब रेडी है। इसमें मैंने ऐड कर दी है आलू भुजिया, बेसन की भुजिया भी हम डाल सकते हैं, और हल्का सा मैंने छिड़क दिया है कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तीखा खाना है तो। तो ये बनके एकदम रेडी है खाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।